नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अयूब हैं। जंतर मंतर पर एक बार फिर से एनआरसी सीए और एनपीआर को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार। खासकर यूपी की बात करें तो यूपी में जिस तरह से पुलिस के इशारे पर, पुलिस के सहारे आतंक मचाया जा रहा है, लोगों की हत्याएँ हो रही है, गोली मारी जा रही है। आगे खासकर जो मुस्लिम लीडरशिप है, जो मुस्लिम नेता हैं, उनका क्या रुख होगा? वो इस लड़ाई को लेकर कितने सेंसिटिव है? और जिस तरह से महिलाएं पूरे देश में, कम से कम मैं 200 से ज़्यादा प्रोटेस्ट में अब तक देख चुका हूं देश के तमाम हिस्सों में, ऐसे में अब आगे का क्या कदम होगा, आगे की क्या रणनीति होगी, उस पर बात करेंगे। मोहम्मद अयूब हैं, सुलझे हुए आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, डॉक्टर हैं पेशे से, पीस पार्टी चलाते हैं। सर, क्या लग रहा है देश भर में महिलाएँ जो हैं वो सड़कों पर बैठी हुई हैं, अब आगे का रास्ता क्या दिख रहा है? आगे का ये रास्ता दिख रहा है कि जो समाज की जो कमज़ोर तबका है, ख़ास तौर पर मुसलमान दलित पिछड़े जो हैं, उनको ये बांटने की, जो मूल निवासी हैं देश के, उन्हें मजहब के नाम पर बांटने की और नफरत फैलाने की भाजपा की साजिश है। क्योंकि जब तक ये मूल निवासी एकजुट रहेंगे तब तक ये सरकार में नहीं आ सकते। तो मजहब के नाम पर पहले बांटना चाहते हैं, पहले मुसलमानों को अलग करना चाहते हैं, फिर पिछड़े और दलितों को अलग करना चाहते हैं। तो ये सोची समझी की साजिश है और इसीलिए सारे कानून में तब्दीली ला रहे हैं। तो पहले जो सबसे वीक पॉइंट है मुसलमान, सबसे पहले उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है। मुझे लगता है कि फिर ये दलितों के साथ और फिर पिछड़ों के साथ ही आएंगे, क्योंकि जब तक ये लड़ाएंगे नहीं बांटे तब तक ये राज नहीं कर सकते। क्योंकि ये अल्पसंख्यक हैं, 15% की तादाद में है, और ये तभी तक राज कर सकते हैं जब तक ये दोनों को अलग नहीं करेंगे। संविधान पर चलने के बजाय ये आरएसएस के एजेंडे पर चल रहे हैं और पीस पार्टीज का विरोध कर रहे हैं, शपथ लेते हैं संविधान का। क्या रास्ता है सर? वो कह रहे हैं हम बहुमत से आए हैं, उनके पास एक बड़ा तबका है, खासकर जनरल कैटेगरी के लोग जो उनके समर्थक हैं। पुलिस, जिस तरह से पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, डेमोक्रेसी बची नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं बचे, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज भी कह चुके हैं। ऐसे में जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उससे लोग उम्मीद लगाए हुए हैं, आम आदमी सड़क पर है, आप लोग का क्या स्टैंड रहेगा, स्ट्रांग स्टैंड क्या होगा, या छोटे छोटे धरना प्रदर्शन से कोई रास्ता निकलता दिख रहा है? अभी 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 बिल्कुल एकदम साफ है कि अगर सभी लोग मिल करके लड़ेंगे तो कामयाबी हासिल करेंगे। ये हम लोगों ने, आयुष साहब, SC ST OBC माइनॉरिटी के ज्यादातर लोग शिक्षित नहीं है, ग्रामीण इलाकों में है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारी है। क्या मान लीजिए एस्टैब्लिश हमारे जो नेता हैं जिनको हम वोट देते हैं, आप जैसे लोग इसको कैसे, लोग घर से निकालना होगा ना, हमारे लोग अगर इतने समझदार होते तो स्थिति ऐसी होती नहीं। बिल्कुल भैया, कौन है आप, किसका फोन बज रहा है, हटा लो भैया। बिल्कुल हाँ। साफ आप कह रहे हो कि ये स्थिति ऐसी नहीं होती अगर लोग राजनीति तौर पर समझदार होते तो। हाँ। मुसलमान हमेशा लोगों का इस्तेमाल किया है, आरएसएस ने हमेशा मुसलमान के कुछ लोगों को इस्तेमाल किया है। जो ये सीए पास हुआ है, जो सेकुलर कहने वाली पार्टियां सपा बसपा कांग्रेस हैं या और दूसरे जो दल हैं, अगर इनके लोग वॉकआउट करने के बजाय सीए के खिलाफ वोट दिए होते तो ये कानून नहीं बनता। सर, वोट देने पर भी कानून बन जाता? नहीं, वो नहीं, बात नहीं कह रहा हूं, राज्यसभा में उनका बहुमत है, लोकसभा में बहुमत है। नहीं हुजूर, नहीं, जब ये वोट दिया था तो ये नहीं बनता। कांग्रेस ने वोट दिया है इस पर, वॉकआउट किया है लोगों ने, जितने लोग जितने वोट से पास। मेरे पास जानकारी है बसपा के लोगों ने खिलाफ में वोट किया है, मेरे पास जो मैंने ये मैंने दानिश अली साहब से पूछा था, उन्होंने बकायदा मुझे वोटिंग की लिस्ट दिखाई कि हमने विरोध किया है। वो मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि जित बसपा के लोगों ने वॉकआउट किया है उनसे दानिश अली। चलिए, अब मुझे उन्होंने सबूत दिखाया था। अच्छा, एक बताइए, महिलाओं की भाग, महिलाएं जिस तरह से घरों से निकल रही हैं, क्या नहीं लगता है कि, और आप लोग SC ST OBC को एक प्रचार किया जा रहा है कि मुसलमानों का आंदोलन है, आप लोग SC ST OBC को जोड़ने के लिए क्या रोड मैप अपना रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में जो बाय इलेक्शन हुआ था, हमने प्रयास करके पिछड़े और दलितों के पार्टियों को जोड़ा था और उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाके भाजपा को परास्त करने का काम किया था। आज फिर अगर सिर्फ मुसलमान का नुकसान नहीं है, अगर सपा की सरकार, बसपा की सरकार, पिछड़े दलितों की सरकार नहीं बनेगी तो उनके लिए भी कुछ मिलने जाने को नहीं, उनका भी उससे ज्यादा तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का हो रहा है, उन्हीं का जा रहा है। मतलब उन्हों का गलतफहमी है। मैं ये कहता हूँ अगर गलत बयानी करते हैं लोकसभा के अंदर अमित शाह जी, अगर प्रधानमंत्री जी रामलीला मैदान में गलत बयानी करते हैं तो जितने भी सुकल कहे बयानी पार्टियां, पिछड़ों दलितों की पार्टियां हैं, उन्हें प्रिविलेज मोशन लोकसभा में लाना चाहिए।
उन्हें न्याय करना चाहिए, क्योंकि प्रिविलेज मोशन लाने से उनको उनको आपको लगता है जो सरकार चल रही वो किसी तरह के नियम कानून को मानती है। अच्छा चलिए, मोहम्मद अयूब साहब का क्या स्टैंड रहेगा, आपकी क्या पार्टी अब क्या रणनीति है? हमारी पीस पार्टी इस देश को बांटने वाली मजहब के नाम पर जो नफरत फैलाने वाला जो कार्यक्रम है उसका विरोध करेगी, और तब तक विरोध करेगी जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता। शुक्रिया अयूब साहब हमसे बात करने के लिए। एक बात तो है कि जिस तरह से टीवी अखबार के जरिए आपको बताया जा रहा है कि मुसलमानों का आंदोलन है, सच्चाई ये है कि मुसलमान बहाना है, एस सी एस टी ओ बी सी का आरक्षण छीना जा रहा है, और शायद इसीलिए इधर आदिवासी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उधर ओ बी सी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और पीस पार्टी की तरफ से आज जंतर मंतर पर एक रैली हुई है। देश भर में महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर बैठी हुई हैं, और मुझे लगता है कि अब लगभग तय है कि लोग भी अब चुप रहने वाले नहीं हैं। सरकार भले बहुमत से आई हो, उसे 5 साल बाद फिर वोट लेना होता है, लेकिन जनता जो है वो इसी देश में है, वो सड़कों पर रहती है, और वो फिलहाल सड़कों पर निकल रही है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।